हेलो वन, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीपी होम ग्रुप्स, और अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कस्टमर के साथ हमारा लाइव टूर, जिसमें हमने कस्टमर को अपने फ्लैट्स के बारे में, सॉरी हाउसेस के बारे में बताया है। चलिए देखते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ जेन्युइन चीज़ें दिखती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारा चैनल। थैंक यू। ये लाइन सारी कोठियों की है। ये सबसे पहली रो अभी, ये सेकंड रो, ये बने हुए जितने भी मकान हैं सारे ऑन डिमांड बने हुए, चलियाँ लगी हैं, शिफ्ट होने लगी यहाँ पर, लेकिन सारे बने यहाँ पे भी शिफ्ट हो गए। रोडे हैं तीस, मतलब ऐसी ग्रेट है। अगर आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी एक अगर ये नहीं बनाना तो उसे मैं ब्रैंक को बनाना यहाँ पे बना गाड़ी आपकी एक बार भी लगेगी, दो गाड़ियाँ से भी लगेगी। एक और चीज़ है, जैसे कस्टमर ने अपने हिसाब से कोई डिज़ाइन करवाना है करवा सकता है, जैसे फ्रंट टेलीविजन हो गया, ये रोड लॉकिंग टायर्स लगेंगी, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चल रही थी इसलिए नहीं किया। अब ये हमारा लास्ट कोठी बची हुई है, बाकी हो गया कंप्लीट सारा। पांच कोठियाँ जनाब ये बनाई मैंने, और चार कोठियाँ आई हैं, तीन इसके पीछे ये अलग अलग रहते हैं, ये किसी एंड यूजर ने लेके छोड़ा हुआ है। अब ये मकान देखते हैं आप, इधर से नज़र मारे जगह इसकी जो फाउंडेशन ली है हमने 7 फुट नीचे से ली है, मतलब वो रोड लेवल है जहाँ तक भीम डला हुआ, इससे नीचे फाउंडेशन है। एक घर के अंदर 8 पिलर हैं और 16 mm का बार यूज़ किया है हमने, सारा तरह ब्रिक जितनी भी है लक्ष्मी की एक नंबर एक ग्रेड की हुई है, चुनाई के लिए क्रशर रेता लगाया, ये पड़ा है सीरिया और आप फॉर्चून का लगा रहे हैं BMP। ये 4 bedrooms हैं, 2 BHK नीचे है, 2 BHK ऊपर, किसी मंजिल पर पौड़ी चल रही है, ये भी 4 BHK, ये भी 4 BHK, वो 7 BHK। अब ये मकान है, ये कांगड़ा थे भाई साहब जिन्होंने बचे, वो ये बिलासपुर से हैं, वो वाले अपने गोल हैं सोसाइटी के, सीवरेज के लिए STP प्लांट है सोसाइटी का, उसका ये मेन गोल है जनाब। जैसे मैंने अपना मकान बनाना, मैं वो चीज़ें सारी करूँगा जो चीज़ें जरूरी हैं। अर्थिंग भी करी हुई है, सिलेंडर आपका यहाँ लगेगा, किचन के अंदर नहीं है, जहाँ बाहर निकाल दिया हमने, ओके। डिज़ाइन जो है ऐसे रहेंगे, वो एमसी बॉक्स आ गया आपका सामने, इसके अंदर सर चाहे वो कलर है, चाहे वो काउंसलिंग है, चाहे वो ये LCD पैनल डिज़ाइन है, किचन डिज़ाइन है, सारा कस्टमर रिक्वेस्ट किया, टाइल का भी कस्टमर रिक्वेस्ट किया। ये हाइड्रोलिक है, ये तो सेल है मैम, अगले बने मिल जाएंगे आपको। कितने का मिल जाएगा? 4 कमरों वाला भी मिल जाएगा, 3 कमरों वाला भी मिल जाएगा, 3 BHK मिल जाएगा, 4 BHK मिल जाएगा, 3 BHK 48 लाख 48 लाख, सिंगल स्टोरी 40 लाख, डबल स्टोरी 56 लाख, ट्रिपल स्टोरी 74, ये 74 में सेल किया था, 7 कमरे में, इन्होंने खुद नीचे रहना, ऊपर वाला सारा किराया भी चलाना है, मतलब 5 कमरे ऊपर, अब एक लेके चले यहाँ, एक कमरे का 5,000 रुपये भी किराया, तो 3 कमरों का कितना हो गया, आराम से 2,500 रुपये का बेड मिलता है। नहीं सर, क्या बात कर रही है, 3 किलोमीटर चंडीगढ़ सस्ती है, ये बगल में वो देखिए सामने, ये GGS कॉलेज है बगल में, इसी रोड पे तो आदेश है, सचदेव है, सारे कॉलेज तो यहाँ है। और रेंट की बात की तो रेंट पे हम खुद चलाते हैं, स्टाफ रखे हुए हैं, इसमें 10% टाइल रखी है जी, टाइल भी कस्टमर ने चॉइस की, इसमें सारा की फिटिंग है जनाब सभी,
ये पीछे आप शैम्पू वटेवर कुछ भी रखना, छोटे से अलमीरा दे दिए, हैंगिंग शीट्स हैं सारी, सारा की फिटिंग है इसमें, जितने भी टाइल हमने वॉशरूम में लगी सारी 65 फीट रनिंग फिट वाली है। सॉरी ये आपका ड्रेसिंग आ गया, अब ये नीचे ड्रॉर्स हैं आप निकाल भी सकते हैं, सफाई करने आप सफाई कर लें, स्लाइडिंग डोर्स हैं आपके सारे। पीछे वॉशिंग के लिए, ये चीज बनेगी सर, सात वाली सोसाइटी में 20,000 acres है, रोड से जाएंगे 1.5 किलोमीटर पीछे या 1 किलोमीटर पीछे वहाँ 15-16 acres मिल जाता है, ऑन रोड महंगी है, लगा महंगी महंगी है। नहीं, एक किचन वो हमेशा रहेगा जी, एजुकेशन जोन है, हमने प्लॉटिंग की 1.5 एकड़ में 7,000 रुपए का दे देंगे हम प्लॉट, वहाँ वहाँ आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, नहीं नहीं सर लीगली है, अगर आपने न्यूज देखी होगी अभी पीछे गवर्नमेंट ने सारी बैन कर दी, रजिस्ट्रियां बैन कर रखी है हमारे, 1.5 एकड़ जगह अभी प्लॉटिंग रह गई हमारी। क्या बंदा रेट ले रहा है? हां जी पालन को क्या बोल रहा है? हां हां क्या नाम है उसका भाई, क्या नाम है उसका? ये इधर ही होगा फ्रिज का, फ्रिज के लिए नहीं आएगा ना, मैं क्या आ रही है अगर ये बनाएंगे, ये देख ये मतलब हाइड्रोलिक ही मिलेगी किचन सारी, गीजर वगैरह वहाँ रहेंगे आपके अंदर सारे, हैंडमेड सिंक यूज कर रहे हैं, और ये भी सॉफ्ट क्लोजर है आपके, इनोटेक मिलती है, ये इसमें माइका भी है, पीवीसी बाकी यहाँ पे आपकी मिनी लाइट है, ये भी डिजाइन वगैरह जो आपको जो आपको सही लगता है वो लगेगा, ये छोटा सा मंदिर सेटअप किया हुआ हमने यहाँ पे, किचन में कपड़ हमने ऊपर इसलिए डाल दिया ताकि कई बार ऐसा था कुछ बर्तन ऐसा था कभी कभार यूज करते थे आप ऊपर डाल सकते हैं, ये सेकंड बेडरूम आ गया सर, कलर वगैरह सब के संबंध में चॉइस किया इसका, ड्रेसिंग अलग किया गया है, इसमें भी 10 फुट तक टाइल वर्क किया हुआ है, हैंगिंग शीट्स हैं सारा की फिटिंग है, एंकर के स्विच इधर पे रख मेरी जी, सारे उसको सारे के लगा सारे में सर, ये तो देखो इनके साथ साथ हमारी कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट बने हुए हैं, मैं सब कुछ लिखा हूँ मैं क्या चीज लगाएंगे, छोटी सी छोटी चीज, हाँ बिल्कुल चिमनी चुमनी तो खैर कोई फर्क नहीं पता, मेन मटेरियल है, अब यहाँ मोस्टली बिल्डर वर्क कर रहे हैं तो कुछ भी लगा देते बिना प्लू के मकान होते हैं, बाद में लिपा पोती करते किसी को कुछ नहीं पता लगता, अब यहाँ तक कि हमने ये डोर लेवल है ना, डोर लेवल पे भी हमने टाइपिंग घुमाए हुए हैं, तो सामने वहाँ टाइपिंग है, यहाँ नहीं देखेंगे सामने कंस्ट्रक्शन का भी वहाँ सब देखेंगे, ठीक है एक चीज, अब पीछे नूरपुर से हैं उन्होंने परचेज किया अभी 3 दिन कर ले मकान, इसके बैक साइड में सिंगल स्टोरी की ऑप्शन है हमारे पास, उसको आप सिंगल भी ले सकते हैं, उसको आप डेढ़ बनाना चाहें तो डेढ़ भी बन जाएगा, ट्रिपल चाहें ट्रिपल भी बन जाएगा, वो आपके ये हाँ सर डेढ़ स्टोरी पास होता है, बाकी जो कस्टमर अपने हिसाब से ये देखें
ऐसे ही बनेगा जितना ऐसे ही बनेगा। हाँ, एक फ्लोर। हाँ जी, एक फ्लोर ऐसे ही बनेगा। ये देखो ऐसे ही बन जाएगा मतलब। और तो थोड़ा सिंपल बना दो, थोड़ा कम करोगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब ऐसे स्टोरी बनेगी, ऊपर आपकी माउंटी बन जाएगी एक नीबा, मतलब बाहर से पौड़ियां ऐसे जुड़ी हुई ऊपर कवर होगी। हाँ जी हाँ जी, इसमें जो चीजें जैसे आपको लग रहा है कि मेरे को डांस नहीं चाहिए वैसा लेस हो जाएगा, एलसीडी पैनल आपको नहीं चाहिए वैसा लेस हो जाएगा। नहीं नहीं, ये तो आपके हिसाब से है ना, आप चाहें तो इसको पूरा पूरा कवर कर सकते हैं, ओपन कर दो सारा बड़ा लग जाएगा। डिजाइन तो आपने देना ही, मेरे को बना के दो, हमने बनाना है, पैसा हमारा बताना आपने, पैसा नहीं पैसा तो आपका ही है, पहले तो हम नहीं लगाएंगे। हाँ हाँ देखो जी, जमीन अपनी है, मैं ये नहीं कि मेरी चीज है मैं बेचनी है, जमीन की हमेशा वैल्यू रहती है। आज की डेट में अगर 18,000 रुपए गज है, आने वाले 5 साल में 18 गज जगह नहीं रहेगी। मकान की तो कॉस्टिंग वही है, क्या हो सकता है 1-2 लाख रुपए और बढ़ जाए मेटीरियल, है ना। लेकिन जमीन अगर आज 18,000 की है, 5 साल बाद हो सकता है 22-24-25 हजार की। बिल्कुल, ये जैसे बताना आपने ये डिजाइन जैसे सिंगल स्टोरीज के जो भी आपको सही लगता है, ये डिजाइन है सिंगल स्टोरी का, वो आपने बताना कौन सा डिजाइन करें, हम वही करके देखते हैं। ये तो उन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं डिजाइन, जिनको हमने पीछे अभी वो मेरे आर्मी से निकाल रहे हैं सर, मतलब पीछे बाहर जो है डेली नीड्स, बाकी मेन तो बाहर पूरी है, तो छुपी दुकान तो खुद बंद हुई है सोसाइटी की। बाकी काम की तसल्ली की है सामने, आपको एक एक छोटी सी छोटी चीज चेक करा सकता हूँ मैं। इसके पीछे भी सर एक शीट लगी हुई है, ठीक है ना, किचन की प्लाई यूज करते हैं लोग, वो सारी प्लास्टिक शीट है, सागवान का ढो जाती साफ में ठीक रहेगी। सर वो 2,000 का दरवाजा है, कॉस्टिंग के हिसाब से वही लगा अभी एलसीडी पैनल है ये, अपने को इसकी लेबर ही 10,000 रुपए पड़ी है। एक एलसीडी पैनल हॉल का हमें 20,000 का पड़ता है, 10,000 का मटेरियल लगा है इसमें, लेकिन वो ज्यादा लगता है। अब वो देखो सर इसमें क्या लग रहा है, कुछ नहीं है, अब वो अंदर की छोटी छोटी लाइटें हैं ना, रेगुलर अच्छी होने की लाइटें है, जैसे अंदर पैनल बने हैं नहीं बनवाए हमने ना, पैसे लेस हो जाएंगे हर एक चीज, जो जो चीज की कॉस्टिंग है आप अपने हिसाब से, अब वो है उसमें आप हर एक चीज अपनी चॉइस से कर सकते कल कर दी थी इसने। अच्छा ग्रोटिंग है, बॉक्सिंग मैं चलाता हूँ। हाँ बैठ जाओ, नहीं नहीं बैठ, इस पे गंदे हो जाओगे आप, ये ठीक है। हाँ जी,
कौन का धोने को है एक बोर्ड, वो बोर्ड हमने जैसे कस्टमर बोलता है हमारे हिसाब से बना के बोर्ड वो सही बाकी तो बर्तन बैठने इसमें वुडन नहीं उधर से इसमें सिर्फ एक हफ्ते का काम है, हफ्ते में दीवार हो जाएगा, ये डबल बना होगा इसमें जितना नीचे उतना ही सेम ऊपर तक बना होगा। अलग है सारे, आगे जितने भी मकान चेक करेंगे सारे अलग अलग डिजाइन के होंगे। प्लास्टिक पेंट यूज कर रहे हैं सारा एशियन, निकलेगा अंदर यार वो बेंडेड।